Assalamu alaikum dear students of class 6 and welcome back my mathematics class. The aj jo jeko asanjo lecture hundo wo cha hundo exercise 1.1 ja kuch problems ye the point lecture je andar tha static yo se set chai bo cha gaya well defined je bare mein padhyo se and distinct element ai set je andar je ke asanjo chhayu maujood huyu je ke object maujood pe achan ta unan ke tha छा पा चूँ तो वे उन्होंने नालो हो एलिमेंट उन अलावा एक बी टॉपिक हुई जेका कल प्रीवियस लेक्चर के अंदर अस को स्टडी कई से पर अज उन टॉपिक के बारे में थोड़ा डिफाइन कर छा तो उन वही एक्सरसाइज 1.1 से स्टडी कदा जी बी टॉपिक हुई असानी वह हुई बिलोंग्स टू एंड does not belongs to belongs to जो मतलब इन जगह सैम्बल होंगी असि टाइप सैम्बल लिखा does not belongs की जगह सैम्बल लिखा ई टाइप डज सैम्बल लिखी उन लाइन लिखी छी इन belongs to does not belongs जो मतलब belongs जो मतलब जैसे को एलिमेंट असान जै सेट से ताल्लुक रखे तो उन विच में लिखा को एलिमेंट खड़ी तो जी मां चवान असलम छह क्लास शागिद सेट आड़ो सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सिक्स तो मतलब असलम बिलोंग्स टू सेट ऑफ अगर सिक्स आ क्लास सिक्स तो छह क्लास से ताल्लुक रखे असलम बिलोंग्स टू क्लास सिक्स जैसे छह में असलम असलम असो एट में ना तो चवंदमा असलम डज नॉट बिलोंग्स टू क्लास एट तो इं को असो कुछ एलिमेंट हूँ जो ऑब्जेक्ट हूँ जी कें सेट से ताल्लुक रखना तो उन विच में जो सैम्बल रखना असा वह रखना असाई बिलोंग्स टू वाली जैसे को भी एलिमेंट है जो असो कें भी सेट से ताल्लुक नो रखे तो उन विच में जो सैम्बल रखा कड़ी डज नॉट बिलोंग्स टू यानी कि बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग्स जो मतलब हों को भी ऑब्जेक्ट कें भी सेट से ताल्लुक रखे तो उन विच में कड़ी सैम्बल अची वी बिलोंग्स टू वाली उन अलावा जालुक नो रखे तो अस चवस डज नॉट बिलोंग्स टू तो अचो अज अचूँ जी टॉपिक्स है अजो कि एक्सरसाइज 1.1 जा पार्ट जो अज सिंप्लीफाई कदास क्वेश्चन के हिसाब से उ पार्ट मैं इतने लिखी छड़ा बोर्ड से तो अचो असि स्टडी क्यों तो हाँ नंबर वन जो पार्ट असो एक्सरसाइज 1.1 के नंबर वन पार्ट में चवे तो पिक आउट द वेल डिफाइंड सेट ऑफ द फॉलोइंग वेल डिफाइंड सेट ऑफ द फॉलोइंग के पिकअप कर पिकअप कर जो मतलब बुधायो तो कड़ो असो सेट जो वो वेल डिफाइंड है कड़ो सेट असो वेल डिफाइंड ना हाँ तो ये सब सेट पर बुधायो तो कड़ो वेल डिफाइंड कड़ो वेल डिफाइंड ना हाँ वेल डिफाइंड अगर आए तो उनके पिक कर किया टिक जो साइन हणी छिंदुस वेल डिफाइंड ना तो उनके क्रॉस जो साइन में हणी छिंदुस तो अचो तो जी नंबर ए सेट दे रो टेस्ट क्रिकेट कैप्टन्स इन पी ए के जो मतलब पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट कैप्टन इन पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट कैप्टन इन पाकिस्तान पाकिस्तान में जेके भी टेस्ट प्लेयर जा कैप्टन हूँ तो उन कैप्टन जो सेट पाकिस्तान में अलाजिम पाकिस्तान एक मखसूस जो इलाको है कंट्री है उन कंट्री में लाजमी जेके भी कप्तान हूँ टेस्ट प्लेयर हर एक इलाके जो पांजो कैप्टन हों जेतरा भी हुजन चाहे असो उन अंदर अस 15 एलिमेंट अची वन चाहे उन अंदर अस 20 एलिमेंट अची वन या 16 अची वन पर ये मकसद आज दसे पो तो टेस्ट प्लेयर क्रिकेट वेल डिफाइंड करे तो दसे तो क्रिकेट जो कैप्टन कड़ा हुजन टेस्ट क्रिकेट वाला कप्तान हुजन क्रिकेट ये तो क्रिकेट असि वर्ल्ड क्रिकेट भी थी टूर्नामेंट की क्रिकेट भी थी पर इतने तो टेस्ट क्रिकेट के कप्तान जो पाकिस्तान जो यानी कि टेस्ट क्रिकेट कप्तान इन पाकिस्तान वेल डिफाइंड थियल तो इनके टिक कर ये असो वेल डिफाइंड है उन टेस्टी फूड इन एटम्स टेस्टी फूड एटम्स यो असो वेल डिफाइंड है या ना
हाँ एक हिसाब से टेस्टी फूड टेस्टी फूड में क्वालिटी होंगी हर कंजू पाँची पाँच क्वालिटी होंगे जो वेजिटेबल्स के हिसाब से टेस्टी फूड अलग जो मीट के हिसाब से टेस्टी फूड अलग जो असो हाईली टेस्टी फूड अलग जो असो चाहिए फास्ट फूड टेस्टी फूड अलग पर में टेस्टी फूड तो चे में एक किस्म की वैरायटी अस वेल डिफाइन को दसे तो टेस्टी फूड ऑफ मीट टेस्टी फूड ऑफ वेजिटेबल्स तो इन हिसाब से असें दसे तो ये असो वेल डिफाइन तो को किस्म जो तो इनके दिस इज नॉट वेल डिफाइन तो इनके जो सैम्पल हणंदा असि क्रास वाली सैम्पल हणंदा हाँ उन सी नंबर में चाहे तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान जा प्राइम मिनिस्टर हाँ पाकिस्तान जा प्राइम मिनिस्टर कड़ा कड़ा थी गुजरिया प्रीवियस प्रेजेंट जो है 1947 का जैसे पाकिस्तान आज़ाद थे उनके भी पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर थी गुजरिया उन्हें जहाँ नारा लिखना हाँ लाजमी है ये वेल डिफाइन थे सिर्फ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जहाँ बेन मुल्क जहाँ प्राइम मिनिस्टर को चवे तो जस्ट प्राइम मिनिस्टर हुजन कंजा पाकिस्तान जा तो ये असेंगे वेल डिफाइन कर प्राइम मिनिस्टर वाला पाकिस्तान जा तो यो भी असान वेल डिफाइन है तो इनके भी टिक कर हाँ उन डी नंबर चाहे तो नाटी स्टूडेंट इन योर क्लास तवे क्लास जो नाटी स्टूडेंट तवे क्लास में लाजमी खोरसार हूँ लाजमी बॉयज में भी हूँ चाहे लाजमी गर्ल्स में भी हूँ तो इन हिसाब से यो वेल डिफाइन न हों छो न हों छो जो नाटी स्टूडेंट अस ताल भी हूँ शिमाल भी हूँ कई अलावा अस हों गर्ल्स में भी नाटी हूँ गर्ल्स बॉयज में भी नाटी हूँ तेजी कर सही नमूने से वेल डिफाइन नो कर दसे तो कड़ा नाटी स्टूडेंट आइडर इंटेलिजेंट नाटी स्टूडेंट आइडर या क्लेवर नाटी स्टूडेंट आइडर जे अस क्लास के अंदर जो प्योर माइंडेड स्टूडेंट हूँ वीक स्टूडेंट हूँ उन्होंने हिसाब से या मिडिल स्टूडेंट हूँ उनके हिसाब से असा नाटी स्टूडेंट हूँ तो तेज कर असो वेल डिफाइन ना है तो इनके क्लास कर ई नंबर चाहे तो मैथामेटिक्स टीचर्स ऑफ योर स्कूल तवे स्कूल जो मैथामेटिक्स टीचर्स जो सेट लाजमी है स्कूल के अंदर अपर सेक्शन में जो हूँ उ टीचर्स मैथ जहाँ अलग हूँ लोअर लेवल में जो मैथ जहाँ टीचर हूँ उ अलग हूँ सिर्फ उन टीचर जो सेट खो जो अस मैथ जहाँ हुजन तवे स्कूल के अंदर तो लाजमी है जो भी हुजन टे हुजन चार हुजन टीचर सिर्फ मैथ वा ही हूँ तो इन कर भी असान वेल डिफाइन हों उन लार्ज नंबर हाँ लार्ज नंबर हाँ असि चई छी लार्ज नंबर हाँ अस यो नो चवे तो कड़ा लार्ज नंबर पॉजिटिव में लार्ज नंबर या नेगेटिव में लार्ज नंबर किथां का वड़ा हुजन दहन का वड़ा लार्ज नंबर हुजन पंजाह का वड़ा लार्ज नंबर हुजन सौ का वड़ा लार्ज नंबर हुजन या 500 का वड़ा लार्ज नंबर हुजन तेज ये डिफाइन कर नो दिसे हाँ लार्ज तो लार्ज है ना हाँ खबर ना तो किथा का लार्ज हुजन तेज ये डिफाइन वेल डिफाइन को थियल असो तेज ये असो नॉट वेल डिफाइन उन कैपिटल ऑफ प्रोविंस यू लिव इन असि जै सूबे में रहूँ था उन प्रोविंस जो कैपिटल जो उनको नालो हाँ लाजमी असि सिंध में रहूँ था सिंध जो कैपिटल इस्लामाबाद वो सिंध जो कैपिटल असो कराची तो कराची के हिसाब से अस चवंदा भा हिन जो कैपिटल ये है वेल डिफाइन थियल तेज कर असो वेल डिफाइन है तो अस इनके टिक कर उन गेम यू लाइक प्लेइंग तभी जी गेम खेड पे पसंद कर पाया उन गेम जहाँ नाला लिखो हाँ लाजमी है जी जी गेम पसंद होंगी उही गेम जहाँ नाला लिखा लाजमी है अस वे अनलाइक गेम हूँ उन नाला खा लाजमी न लिखा असि तेज जी जी गेमू अस पसंद क्या अस जस्ट उन ही नाला लिखा जो क्रिकेट थो जो फुटबॉल थे जो हॉकी थी आई इन हिसाब से ये भी वेल डिफाइन चाहे तो कड़े हिसाब से वेल डिफाइन लाइक प्लेइंग गेम्स गेम्स पर कड़ी गेम्स जी अस पसंद क्यों था जी तभी पसंद किया जस्ट उन नाला लिखो तो उनके टिक कर तो वेल डिफाइन थियल यो हो अज जो असो पे पार्ट जो वेल डिफाइन थियल सेट उन्होंने बुधा तो ये वेल डिफाइन जे वेल डिफाइन उन्होंने बारे में बुधा तो ये वेल डिफाइन ना
उन सेकंड पार्ट जो इफ पी सेट विच इज इक्वल टू 1 2 3 4 पी सेट बराबर है 1 2 3 4 एंड क्यू सेट बराबर है ए बी सी डी तो राइट द सैम्पल ऑफ बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स मतलब तालुक रखे थी तालुक नथी रखे इन द ब्लैंक्स टू हेठियां ब्लैंक्स हेठियन ब्लैंक्स में बुझाण आ तो कड़ो एलिमेंट कड़े सेट से तालुक रखे तो कड़ो एलिमेंट कड़े सेट से तालुक नो रखे हाँ चे तो टू बिलोंग्स टू पी टू डैश पी टू डैश पी पी जो मतलब पी सेट में ऐसो टू मौजूद आ हाँ टू ऐसो टू मौजूद आ पी सेट में मौजूद है तो चाहस बिलोंग्स जो सैम्पल तो बिलोंग्स कड़ी कड़ी तालुक वाली कड़ी है ये सैम्पल तो ये सैम्पल में हणी छदस तो पी बिलोंग्स टू इन पी सेट टू बिलोंग्स टू पी सेट उन चे तो फाइव डैश पी पंज पी में मौजूद हैं या ना हाँ ऐसो पंज इन में आन 1 2 3 4 फोर तो यहाँ पर पंज तो कोई को एलिमेंट तेज कर चार इतने लिखस पंज डज नॉट बिलोंग्स टू पी मतलब फाइव डज नॉट बिलोंग्स टू पी उन थर्ड नंबर चाहे तो ए डैश पी ए पी पी के अंदर ऐसो ए आए ना ही पी एलिमेंट इन एलिमेंट क्या 1 2 3 ए मौजूद है इनमें ना है मौजूद तो मतलब इतने डज नॉट बिलोंग्स टू पी वाली सैम्पल असि अची वी उन डी क्यू डी क्यू ऐसो डी एलिमेंट क्यू सेट के अंदर मौजूद आ क्यू सेट कड़ो ए बी सी डी हाँ डी इन में आए हाँ आए आए तो मौजूद आ मतलब तो इतने असम्पल हल्दा बिलोंग्स वाली उन पंज नंबर प्रॉब्लम तो दे जी डैश क्यू जी डैश क्यू जी क्यू सेट में मौजूद आ ना मौजूद तो इतने सैम्पल जो लिखी लगंदी असि कई लगंदी डज नॉट बिलोंग्स वाली सैम्पल लगंदी उन छों नंबर जो दे रो 3 डैश क्यू हाँ 3 जो एलिमेंट आसो क्यू में आए क्यू सेट कड़ो ही सेट इन के अंदर 3 नंबर आए ना ना तो मतलब इतने कड़ी सैम्पल इंदी असि डज नॉट बिलोंग्स वाली सैम्पल अची वी डज नॉट बिलोंग्स वाली सैम्पल इंदी इतने इन हिसाब से अस कुल 6 प्रॉब्लम्स इन से रिलेटेड बे भी प्रॉब्लम अगर अस लिख चाहूँ तो मैं हिं भी लिखी सकता तो 4 डैश क्यू 4 डैश पी या 1 डैश पी सी डैश क्यू हाँ ऐसोस हाँ ऐसोस तो इतने 4 डैश क्यू 4 डैश क्यू जो मतलब क्यू 4 क्यू में आए या ना है क्यू ए बी सी डी 4 तो कोई को ना तो इतने सैम्पल कड़ी इंदी डज नॉट बिलोंग्स वाली वही चाहे 4 डैश पी 4 डैश पी हाँ 4 ऐसो पी में मौजूद आ मौजूद आ तो मतलब इतने बिलोंग्स वाली सैम्पल अच्छी उन चाहे नौ नंबर 1 डैश पी 1 ऐसो पी में आए हाँ आए 1 मौजूद आ ना तो इतने कई सैम्पल अची वी बिलोंग्स वाली वही चाहे सी डैश क्यू सी डे क्यू में आए या ना ऐसूँ सी मौजूद आ क्यू में तो इतने बिलोंग्स वाली सैम्पल अची वी जी बिलोंग्स वाली सैम्पल यो हुई अज जो अस टॉपिक्स एक्सरसाइज 1.1 जो फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट जो अज अस सॉल्व कर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट के डिफाइन कंदासीं।